आज हम लोग बिलासपुर का उर्स निपटा के जा रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और माहौल देख के मेरा तो दिल खुश हो गया था पिछले साल ही। ये मेरा तो इन्जॉयमेंट के नाम से आया था। मैं तो मैं जानना चाहूँगा, जब पहली बार आए हैं हमारे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साजिद भाई से। साजिद भाई की घूमते हैं और कैसे हैं? बढ़िया। कैसा लगा आज आपको माहौल? बढ़िया। वो आपको सबसे बढ़िया किसका किसका सेटअप लगा? सभी का सेटअप बढ़िया लगड़ा था ना, सभी लोग अच्छा बजा रहे थे, पूरा धमाकेदार प्रदर्शन हुआ सब लोगों का। एजाज भाई अपने आपसे जानना, बाग बाग हो गया, बाग बाग हो गया। तो बताओ, मैं जब आप लोग को बोला कि माहौल तगड़ा रहता है तो मेरा बात सच हुआ ना? हाँ। तो एजाज भाई को अपन यहाँ से बेदखल करते हैं गाड़ी से। भाई मेरे को भी 100 रुपये दे देना। और ये हमारे लक्ष्य भाई है जो कि जाने माने यूट्यूबर है, इन्हें कौन नहीं जानता। इनका खास बात ये है कि ये बहुत ही कम समय में अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे, उसके बाद ये अपना चैनल की हाजिर कैसे कर दिए, अपना ईमेल भूल गए। कितना देना है सर? मेरे को 100 रुपये देना पहले। और फिर गाइस मिलते हैं, मेरे को तो कौन नहीं जानता, वन एंड ओनली अली भाई। तो आज हम लोग बिलासपुर जा रहे हैं, पुलिस लाइन का संदल है। तो साजिद भाई, ओ साजिद भाई, तो साजिद भाई लेट कर दिए, इस कारण हमारा ट्रेन छूट गया है। और यहाँ पर सब गलती साजिद भाई का ही है, हम लोग टाइम पे आते हैं, हम लोग टाइम से पहुँचे थे, पूरा ब्लेम इसी के ऊपर जाता है। तो इसके साजिद भाई आज बिलासपुर का क्या रहेगा सीन, कुछ बताओ। बिलासपुर भाई, बिलासपुर है, पुलिस लाइन मालूम है। हाँ मैं गया हूँ एक बार, अब मैं बताऊँगा कि कैसा होता है वहाँ। बहुत ज़बरदस्त होता है, दुर्ग जैसे, दुर्ग से अच्छा ही माहौल रहता है वहाँ पर। दुर्ग में भीड़ रहता है, वहाँ पर भीड़ नहीं रहता, माहौल रहता है तगड़ा। तो हमारे साथ एजाज भाई भी है। एजाज भाई मिलो, पहली बार जा रहे हो? हाँ। तो कैसा रहेगा माहौल, तो अब देखने के बाद पता चलेगा भाई। अब चलते हैं, नाश्ता तो करेंगे फिर जाते हैं। तो माहौल के बारे में साजिद भाई से थोड़ा बात करते हैं। देखो किसका किसका है जी ये? डिस्कस 50। कौन है ये? शिवम लाइट। शिवम लाइट नहीं, हेमंत लाइट है। तो आपको शिवम दिख रहा है यार? जय अम्बे। शिवम कहाँ दिख रहा है? अरे वो लगाने वाला है स्टोरी, वो किया जय अम्बे का, ये है, ये है सब कुछ सीन है। और दिखा रहे हैं आप? और दिखला फटाफट दिखला। हमारे भाई साहब कुछ अटते रहते हैं सब चीज़, ये तो भैया। और कुछ वो आ रहे हैं, हमारे ट्रेन छूट गया यार, 10 मिनट के चक्कर में छूट गया। हाँ और दिखला, और दिखला। ये किसका है? जीत लाइट बीएससी, मतलब ये। तो ये है दुर्ग नाना साहब, दुर्ग शहर का राजा। कुछ इस तरह का सेटअप है। भीड़ देखो, मैं कितना परेशानी उठा के वीडियो बनाने जाते, क्या भीड़ है ज़बरदस्त। तो हम लोग बिलासपुर पहुंच चुके हैं, सॉरी उल्लासपुर या उसलापुर जैसा भी है, बिलासपुर ट्रेन नहीं जा रही अभी। और भाई ट्रेन क्या खतरनाक भीड़, और उसी में बच्चे बच्चे देख के घबराहट हो गया। तो मैं अब चलते हैं और आपको वहाँ का आगे का सीन दिखाऊंगा। मसीहा पुलिस लाइन जाओगे भैया? तो यह लगता है ये हमारा मसीहा है, वो नहीं था हमारा मसीहा, हमारा मसीहा ये है। जाओगे भैया पुलिस लाइन? तो हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत धमाकेदार माहौल है। साजिद भाई पहली बार आया है, मैं मेरा दूसरी बार आना हो रहा है। साजिद भाई कुछ बोलना चाहोगे? बोलना तो मैं ये चाहूँगी, माहौल तो अभी स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं यहाँ देखेंगे तो मजार वजार जाएंगे, देखते हैं कौन सा धुमाल है। चलो गैस करो, कौन सा धुमाल है बैंक अंदाजा यही तो। तुरंत बताओ। नहीं मालूम भाई, अब यहाँ से कैसे बता दूँ, इतना सही लाइट मार रहे हैं। तो ये श्री शंभु धुमाल रायपुर, और कुछ ऐसा तरफ पर इस टाइप का माहौल है। अभी बाजा बजने के बाद बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गली वली सक रहा है। और आपको आगे चलते हैं और आगे माहौल दिखाते हैं। चलो अब चलते हैं साजिद भाई लोग, चलो री स्टार बिलासपुर साइड का। तो देखो आप, ये बिलासपुर का है चांदीडी रामायण चौक बिलासपुर। तो थ्री स्टार यहाँ का है,
अच्छा सुनो, वीडियो बनाते हैं फिर बताना। तो अब हम जा रहे हैं अपना बिलासपुर के एरिया में घूमते घूमते, जहाँ जहाँ बाजा का आवाज़ आ रहा है, आसपास बज रहा है और दो चार तार बारह बज रहा है ना भाई। हाँ। आनंद और अक्रमदार उधर बज रहा है, उसका नाम भी बहुत अभी बता रहे हैं लोग ना, अच्छा बता रहे हैं तगड़ा, और बाकी लोग का तो हम लोग सुने नहीं है। अब देखने के बाद वीडियो में समझ आएगा क्या है क्या है। अब देखेंगे जाएंगे, और यहाँ का जो मेन माहौल है वो 3:30 से 4 बजे के आसपास बनता है, जो यहाँ पर अम्बेडकर चौक है वहाँ पर तगड़ा माहौल, सब बाजा इधर से इधर से आ रहा है, तब माहौल बनता है। पिछले साल मैं आया था तो मुझे पता है कई भयंकर माहौल बनता है, देख के दिल खुश हो जाता है। आप देखोगे ना वीडियो में बोलोगे अरे यार, जो नहीं आया है वो तो मिस कर दिया, और जो आएगा वो हर साल देखने ज़रूर आएगा। और पिछले साल से इस साल मुझे माहौल थोड़ा कम लग रहा है भाई। हाँ। भीड़ भीड़ कम है, लेकिन मतलब अभी देखने के बाद पता चलेगा। हाँ। टाइम में जब पिछले साल जब मैं अपने पापा के साथ आया था तो माहौल मजार में पैर रखने जगह नहीं था, लेकिन इस बार तो खाली खाली सा लग रहा है। अब देखते हैं क्या माहौल है। फिलहाल इधर भी बाजा बज रहा है, उधर भी बाजा बज रहा है, और फिलहाल हम इधर जाएंगे और माहौल देखेंगे क्या है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आवाज़ तो आ रहा बाजा का, कौन सा धुमाल भाई आपके हिसाब से क्या लगता है? वैसे तो बता नहीं सकते, मैं एक बात बोल रहा हूँ, दुरुक का नहीं है, नहीं गारंटी नहीं, दुरुक का धुमाल नहीं है। तो अब देखते हैं मैं सही होता हूँ कि भाई सही होता है। भाई नाना साहब बोले हैं और मैं गारंटी दे रहा हूँ नाना साहब नहीं है। चलो लगी शर्त ना भाई, एक एक स्ट्रिंग का लगा हुआ है, जो हारे को पिलाएगा। तो एजाज भाई हार चुके हैं सर और स्ट्रिंग पिला रहे हैं, क्योंकि ये धुमाल है आर के धुमाल। तो आज एक स्ट्रिंग में जीत चुका हूँ, माहौल देखते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा, इधर चले, इधर ये गली में कार्तिक दिख रहा है। हाँ।
चलो चलते हैं, अब देखते हैं इधर, इधर भी एक शर्त लगेगा।
धन भैया मस्त।
और ये हमारे पवन भैया है जो कि दिख नहीं रहे यहाँ से, यहाँ से देख सकते हो। और अमृति भैया नमस्ते भैया, ग्रेट बाहुबली। बाल बढ़ा रहे हो, ये
अच्छा काम कर रहे हो, बाल बढ़ाओ। और तेरे नाम दुर्गुस्ता, जल्दी बढ़ाओ बाल, फोन नहीं उठाते हो। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में भाई। ये अम्बेडकर चौक यहाँ पर जो माहौल बनता है भाई, सब थोड़ा माहौल यहाँ बनता है, स्टॉक है। पहले देखो आपको नटराज धुमाल दिख रही है, नटराज धुमाल है, ये माता कृपा है, ये आनंद धुमाल है, इधर जाम पे है, और उधर पीछे नया पार्टी है, और मुस्कान धुमाल, इधर
बार 10 बार कॉल करो, 12 बार कॉल करो, कॉल नहीं उठाते हैं। अब भैया क्या क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? नहीं नहीं बोलना पड़ेगा अभी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। मैं इतना बार कॉल किया हूँ, दिखला दूंगा कॉल इसमें सबको। सॉरी भाई बोल रहे हैं, काम कैमरा करो भाई, बड़ा कलाकार हो गया, बड़ा कलाकार।
जो करवाए हर हाल में करवाए, करवाते कोशिश करेंगे, माहौल उसी से बनता माहौल। जसवीर भाई का ना जारसेट को ना करवाएंगे, कोशिश करेंगे भाई। कमेंट भैया कौन कौन सा उर्स बजा रहे हो? अभी तो हम लोग बिलासपुर बजाए, आज बिलासपुर हो गया, शनिवार को 20 तारीख को हम लोग बजाएंगे राजनाथ का पानी नाला भी डन चादर। हाँ दुर्ग उर्स 27 मई। और भिलाई उर्स के बारे में बताओ? उसी बजाएंगे भैया, डन पूरा चारों उर्स डन, डन चारों उर्स डन। ठीक है भैया, बढ़िया हूँ भैया, आप लोग कितने बजे? हाँ भैया भैया बजाले भैया। हाँ भैया राजगुरु मोर जहर गुरु। हाँ अरे भाई है
कमाल रजनांद गांव। अब अभी भैया लोग नहीं बजा रहे हैं तो भैया लोग को मिलते हैं। सबसे पहले भैया को डिस्टर्ब नहीं करते, अभी बात कर रहे हैं, बात करने के बाद उनसे मिलते हैं। तो भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया। भैया कैसे हो? कैसा लग रहा है आज का माहौल? बढ़िया। दुरुगुर के बारे में कुछ बताओ, आ रहे हो दुरुगुर? आ रहे भैया लोग, भैया लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज का माहौल? तगड़ा लग रहा है भैया लोग को भी। भैया अपना चेहरा छुपा रहे हैं।
8:30 और सलामी अब दे कौन सा तुम आल है ये कौन सा तुम आल है भाई जानकार तुम आल तो कुछ इस तरह का माहौल था। अभी भी 2-3 धुमाल अभी भी आया नहीं है, तो आप देखो क्या माहौल है। अगर आप लोग अभी तक एकदम यहाँ आए नहीं हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आओ, विज़िट करो और फिर देखो यहाँ का माहौल क्या तगड़ा रहता है, कई बवाल माहौल रहता है। ऐसा माहौल आपको बहुत कम ही जगह में देखने को मिलेगा, हम लोग बोलूँ ऐसा ग्राउंड में इस टाइप का बिलासपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा देखने को आपको। तो ये माहौल था कुछ इस तरह का, और थोड़ा सा और माहौल दिखेंगे फिर घर हम लोग भी जाएंगे। KGN धुमाल सुंदर है ताज वाले का। कोशिश करें, हम भी दुआ करेंगे कि आप दुरुगुर्ज भी आओ, वहाँ की पब्लिक को भी दिखलाओ अपना जलवा,
क्यों है कि नहीं? अरे हमारे गोल के एकदम मेन मेंबर जी जी जिनका लाइट चलता है वीएस लाइट जी जी हमारे विशाल भाई है इनके बदौलत सारा चीज लाइट्स वगैरह सब चीज बहुत अच्छा काम लाइट शो भी अच्छा उतना बड़ा तगड़ा था तो और भी है कोई मल्लू भाई है हमारे हमारे साउंड वाले भाई भैया थक गए बहुत मेन पप्पे एक सपोर्टर है जी जी सब हम यही सब मिल के एक फैमिली टाइप हम चलते हैं बस आगे बढ़ते नहीं भैया और एक बात और फिर से बोलना चाहूँगा पूरा कोशिश करिए दुरुगुर आने का ठीक है बिल्कुल आएंगे अगर आइए जरूर आइए बिल्कुल आएंगे ठीक भैया ये और भाई कैसे हो कैसे लगा आज का माहौल आपको कैसा लगा भैया तगड़ा माहौल पूरा एकदम फंटासी पहाड़ू माहौल तो मजा आ गया ब्लास्ट बीस मई को मिलते हैं पारियन राउर्स के ब्लॉग के साथ।